नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। जून माह में दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। लोक निर्माण विभाग, सांख्यिकी विभाग तथा कुछ अन्य विभागों में बहुत कम लंबित प्रकरणों के बावजूद उनकी रैगिंग 50 के आसपास है। कई अधिकारी निर्देशों के बावजूद सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अनअटेंडेड छोड़े जा रहे हैं। बिना किसी कार्यवाही लेवल 1 से लेवल 2 में आने वाली सभी प्रकरणों के L1 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दें। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में विभाग की ग्रेडिंग के अनुरूप ही अधिकारियों की रैगिंग की जाएगी तथा उसी आधार पर CR भी लिखी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, नगरीय निकाय, PHI तथा सामान्य प्रशासन विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। संबंधित अधिकारी 2 दिवस में निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि उपसंचालक कृषि खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। DAP खाद की आपूर्ति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल पत्र लिखें। उपलब्ध खाद सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित कराएं। कार्यपालन यंत्री PHI ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल स्रोतों से पानी के नमूने लेकर उनकी नियमित जांच कराएं। कलेक्टर ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।